मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना का शुभारंभ किया। प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए सरकार बैंकों से ऋण उपलब्ध करवाएगी। इसमें अधिकतम 50 लाख रुपए का बैंक से ऋण दिलाया जाएगा। सरकार वित्तीय सहायता के रूप में 3% प्रतिवर्ष ब्याज अनुदान और 7 साल तक के लिए बैंक ऋण गारंटी शुल्क देगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिवपुरी, जबलपुर, खंडवा और पन्ना के हितग्राहियों से संवाद किया और कार्यक्रम स्थल पर अनेक उद्यमियों को लाभान्वित भी किया। रूपेश जी नमस्कार। जी नमस्ते मामा जी, क्या हाल है? बस बढ़िया हूँ मामा जी, आप कैसे हैं? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देख रहा हूँ तो मेरा दिल भी मुस्कुरा रहा है। जी आपके आसपास तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं। जी मामा जी। कौन कौन बैठे हैं? मामा जी प्रहलाद भारती जी हैं और वीरेंद्र वंशी जी हैं, राजू बाथम जी भी हैं। अच्छा क्या करने वाले हो बताओ? सर मैंने एक लोडिंग गाड़ी ली है। हाँ। जो भाड़े पे चलाने के लिए। ये उद्यम क्रांति योजना का पता कैसे चला तुम्हें? सर मैंने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा, फिर उसके बाद मैं उद्योग विभाग गया, वहां पर मैंने पता किया, फिर मैं बैंक में गया तो बैंक में जो बैंक मैनेजर हैं उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि यहाँ मिल जाएगा। अच्छा उद्योग वालों ने कितने चक्कर लगवाए? विभाग वालों ने? मैंने नहीं लगाए, नहीं चक्कर नहीं लगवाए मामा जी एक भी। मेरी कसम। बिल्कुल नहीं लगवाए। हो गया था मेरा। क्या ओम प्रकाश जी आपके विभाग की तारीफ हो रही है भाई? और नहीं तो कई बार ये होता है कि इतने चक्कर लग गए। अरे बैंक वालों ने तो घुमाया होगा थोड़ा बहुत। एक बार गया था मामा जी फाइल देने और साइन करने के लिए। एक बार में ही हो गया? हाँ। चलो बैंकर्स को भी बधाई। अब क्या करने वाले हो आप लोडिंग गाड़ी से, क्या करोगे? मामा जी मैं भाड़े पे चलाता हूँ यहाँ लोकल में। हाँ। इससे जो भी व्यापारी है अपना माल इधर उधर भेजते हैं तो मैं उनका माल ले जाता हूँ। काम मिल जाएगा पूरा? हाँ काम मिलता है। ठीक है, गारंटी तो नहीं लगी इस लोन की? नहीं किसी प्रकार की कोई गारंटी नहीं लगी। कहा तो होगा कि यार मामा तो कहता रहता है फालतू में पहले फलानी चीज रखो तब देंगे। नहीं मामा जी कोई गारंटी नहीं लगी। चलो तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बधाई। 13,63,000 युवाओं को विभिन्न योजनाओं के तहत स्वरोजगार से जोड़ने में हमने सफलता प्राप्त कर ली। 13 लाख, अब ये चमत्कार से कम नहीं है। जहां चाह होती है वहां राह को निकलना ही पड़ता है। हमने ठान लिया और ठान के दिन और रात मेहनत की, बैंकर्स ने सहयोग किया और मिलकर हमने बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब हमने तय किया है कि रोजगार दिवस हर महीने आयोजित किया जाएगा। मेरे पास बैंकर्स ने एक बात कही कि अप्रैल के महीने में चूंकि टारगेट सेट करते हैं हम लोग और बाकी औपचारिकताएं पूरी करनी है तो कम से कम अप्रैल के महीने में हमको प्लानिंग कर लेने दें, इसके बाद हर महीने हम करेंगे। मैं ये बात पूरे प्रदेश के बच्चों को इसलिए कह रहा हूं कि किसी को निराश होने की जरूरत नहीं है बेटा बेटी। देखिए रोजगार के लिए 3 रास्ते हैं। एक रास्ता सरकारी नौकरियों का रास्ता है और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले दिनों लगातार हमने जो प्रयास किए उनमें 45,000 बेटा बेटियों को सीधी भर्ती, संविदा नियुक्ति इत्यादि के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में रोजगार दिया गया, बैकलॉग के पद भी भरे गए। लगातार ये काम चलेगा। अभी 6,000 पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में, 5,000 हमने फिर करने का फैसला किया है। शिक्षकों की भर्ती भी दोनों विभाग मिला के हमारे, चाहे वो शिक्षा विभाग हो या आदिम जाति कल्याण विभाग हो, दोनों में मिला के लगभग 25,000 ये हम करने वाले हैं। और बाकी सब विभागों को कहा है जहां जहां जरूरत है पद भरो। तो सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितने बच्चों को रोजगार संभव है हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से रोजगार देंगे।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।